सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कि हम आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स। ठीक, तो पहले लेक्चर में हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक, बिल्कुल उसी तर्ज पे, उसी तरीके से हम आयरन की एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आयरन को एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है, दैट मींस व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन। ठीक, तो अगर हम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन जो है दैट इज हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक, और हेमेटाइट ओर जो है उसका फॉर्मूला है Fe2O3। ठीक, इसी तरीके से एक दूसरा इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला जो है दैट इज Fe3O4। ठीक, इसी तरीके से वी हैव अनदर ओर ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड एज लिमोनाइट। लिमोनाइट, लिमोनाइट इज Fe2O3 थ्री टाइम्स वाटर। ठीक, similarly we have another important ore that is called as iron pyrites. Iron pyrites, the formula is FeS2, iron pyrites. ठीक, similarly another ore of iron is that is called as siderite. Siderite is a carbonate ore, FeCO3. ठीक, so these are some important ores of iron जिनसे iron की extraction की जाती है। ठीक, और इनमें से जो सबसे main chief ore of iron है that is the hematite, Fe2O3. Fe2O3 से ही usually हम extraction of iron करते हैं industrial scale पे conveniently as well as profitably। ठीक है, तो हम start करेंगे extraction of iron by taking the hematite ore। ठीक, and we know जब हमने hematite ore को जमीन से बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लंप्स। लंप्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला स्टेप जो इस ओर के लिए करेंगे दैट विल बी द क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। ठीक, देन आफ्टर दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी रिडक्शन इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी रिडक्शन करते हैं। ठीक, सो हम एक फ्लो चार्ट देखें पहले, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स यहां पे करने होंगे आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द हेमेटाइट ओर। सो अगर हम फ्लो चार्ट दे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का फ्रॉम हेमेटाइट, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा दैट विल बी क्रशिंग, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन ऑफ हेमेटाइट ओर। ठीक, ये क्रशिंग और ये पल्वराइजेशन कहां पे हम करते हैं, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, वी कैरी आउट द क्रशिंग प्रोसेस इन जॉ क्रशर्स। जॉ क्रशर्स में क्रशिंग की जाएगी और पल्वराइजेशन की जाएगी इन बॉल मिल्स। ठीक, सो फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विल बी क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। ठीक, वंस वी आर डन विद क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, अब हमारे पास एक पाउडर ओर आ जाएगा। ठीक है, उस पाउडर ओर से हमें क्या करना होगा, उसके पास जो इंप्यूरिटीज, जो गैंग पार्टिकल्स, जो मैट्रिक्स उसके ऊपर लगा होगा, विल बी ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स। ठीक, एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज बेनिफेक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, या हम इसको ओर ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक, सो नंबर सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O, ठीक। तो जब हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया था उसमें हमने बोला था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं पर्टिकुलरली हेमेटाइट एंड टिन स्टोन एटसेट्रा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक। सो नंबर सेकंड विल बी कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन विल बी कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग की जाएगी यूजिंग विल्फ्ली टेबल्स। हमने बताया था विल्फ्ली टेबल्स पे वॉशिंग कैसे की जाती है, ठीक। सो इस आयरन के ओर को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे गैंग पार्टिकल से पीछा छुड़वाएंगे बाय यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग विल्फ्ली टेबल्स, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ जाएगा, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर के साथ हम क्या करते हैं, देन द लास्ट स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर, ठीक। और एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर में हम क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन के बाद वी गो फॉर द रिडक्शन प्रोसेस, ठीक। सो नंबर सेकंड थिंग इज दैट आफ्टर द कॉन्सेंट्रेशन हम उस ओर की पाउडर कॉन्सेंट्रेटेड ओर की हम करने जाएंगे कैल्सिनेशन, ठीक। यू नो ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं दो तरीकों से, आइदर वी कैन गो फॉर कैल्सिनेशन और वी कैन गो फॉर रोस्टिंग, ठीक। और हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑक्साइड वाले ओर्स जो होते हैं उनके लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। और कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन में हम सिंपली इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जब कैल्सिनेशन होती है तो हमने बताया था क्या क्या प्रोसेसेस वहां पे क्या क्या चीजें होती है। नंबर फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें जो मॉइस्चर लगा होगा वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। नंबर सेकेंड थिंग इज दैट इसमें जो नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज होंगी, सल्फर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, आर्सेनिक प्रेजेंट होगा या फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वोलेटाइल ऑक्साइड्स के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। It will be removed in the form of sulfur dioxide, in the form of arsenic oxide, in the form of phosphorus oxides, phosphorus pentoxide, ठीक? इसी तरीके से calcination के दौरान क्या होगा? क्योंकि हम Fe2O3 को as an ore ले रहे हैं, उसकी calcination हम कर रहे हैं, ठीक? Fe2O3 के साथ, in addition to Fe2O3, उसमें iron present होता है as FeO, ठीक है? तो as FeO present होता है, ठीक है? Now calcination के दौरान इस FeO की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये इस FeO को भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, Fe2O3 में, ठीक। सो ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन प्रोसेस नंबर वन थिंग वी सेड दैट पहले क्या होगा, इसमें से मॉइस्चर रिमूव होगा। नंबर सेकंड थिंग इज दैट इसमें नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज बाहर चली जाएंगी। नंबर थर्ड थिंग के इसमें जो एडिशनल आयरन होगा इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू Fe2O3, ठीक है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें होगी, दैट इज द ओर विल बिकम पोरस, ठीक। पोरस बनने की वजह से क्या होगा, पोरस बनने की वजह से जो ओर जो होगा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट जो रिडक्शन वाला प्रोसेस है उसमें उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो फाइनली अब हमारे पास क्या बचा, वी आर हैविंग कैल्साइन्ड ओर जिसमें हम हमारे ओर के अंदर गैंग पार्टिकल्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द गैंग पार्टिकल्स विल बी रिमूव्ड एंड ओर विल बी प्रेजेंट इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एज Fe2O3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज वी कैरी आउट इट्स रिडक्शन, ठीक। हम इसकी रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन हम डिफरेंट तरीकों से करते हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो मेथड यूज करते हैं दैट इज द स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक। और इस स्मेल्टिंग को हम कहां पे करवाते हैं, वी कैरी आउट द स्मेल्टिंग इन अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अ फर्नेस, दैट फर्नेस इज कॉल्ड एज ब्लास्ट फर्नेस, ठीक। तो ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम हमने यहां पे ऑलरेडी बनाई हुई है, दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस ब्लास्ट फर्नेस जिसमें रिडक्शन बेसिकली कैरी आउट करवाई जाती है, ठीक है ना। नाउ इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हम देखेंगे, ठीक। सो दिस स्टेप विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। सो वी हैव फाइनली रीच्ड अप टू द कैल्साइन्ड ओर, अब कैल्साइन्ड ओर की हमें क्या करनी है, स्मेल्टिंग, ठीक। तो चलिए स्मेल्टिंग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। सो ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम हमने दी हुई है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो अगर आप देखें इस डायग्राम की तरफ, ये ब्लास्ट फर्नेस जो है ये स्टील की बनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट ज़ोन्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक ज़ोन में
एक डिफरेंट तरह का टेम्परेचर वहां पे होता है, ठीक है। और इसकी अगर आप बात करें इस फर्नेस के अंदर, ये जो यहां पे हमने दिखाया हुआ है एक पाइप लगी होती है, इस पाइप के थ्रू हॉट एयर को पास किया जाता है, ठीक। और इसका नाम देते हैं हम इसको ट्यूयर्स कहते हैं, ठीक है। सो ट्यूयर्स के थ्रू क्या किया जाता है, ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज पास्ड, ठीक। और इसके अंदर ऑलरेडी हमने रखा होता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, ठीक है। सो कोक क्या करता है, कोक एक्ट करता है एज अ फ्यूल, ठीक है। जैसे ही हॉट एयर इसमें से पास किया जाता है, कार्बन प्रेजेंट इन दिस ब्लास्ट फर्नेस इट कैचेस फायर, ठीक है। इट अंडरगोस कंबशन, कंबशन की वजह से क्या होता है, यहां पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, ठीक। और इस जोन को, जो जोन ट्यूयर्स के नजदीक रहता है जिसका टेम्परेचर काफी हाई है, उस जोन को हम नाम देते हैं जोन ऑफ कंबशन, ठीक। तो जोन ऑफ कंबशन में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो फ्यूल है कोक वो यहाँ पे बर्न हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ कंबशन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दो टैपिंग होल्स लगे होते हैं, ठीक, दो होल्स लगे होते हैं। ये वाला होल, इस होल से हम अपना मोल्टन आयरन जो रिड्यूस होके हेमेटाइट जब रिड्यूस हो जाता है इनटू आयरन, तो वो यहां से निकाला जाता है और इसके ऊपर वाले होल से स्लैग बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी एक ओपनिंग होती है, एक कप शेप्ड ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू हम बेसिकली अपने कॉन्सेंट्रेटेड ओर को पास करते हैं, ठीक है। और उस ओर के साथ हमने मिक्स किया होता है कोक, ठीक। कोक के साथ साथ हम यहाँ पे मिक्स करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे काम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट्स एज द फ्लक्स, ठीक। तो आपको याद होगा हमने पहले ही बताया था ड्यूरिंग स्मेल्टिंग वी एड ओर के साथ हम एड करते हैं कोक, कोक एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट और हम फ्लक्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। सो यहाँ पे और कोक और कैल्शियम कार्बोनेट का रेशियो लिया जाता है 8:4:1 रेशियो में, ठीक है। सो हमारा जो और है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और नीचे क्या चीज प्रेजेंट है, नीचे भी कोक हमने रखा हुआ है जो कि कंबस्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन या कोक की दो काम है, ठीक है ना। एक तो कार्बन एक्ट्स एज द फ्यूल, ठीक, एंड नंबर सेकंड थिंग इज दैट यही कार्बन जो है ये एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो कोक का काम, इट एक्ट्स एज फ्यूल, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट करता है एज फ्लक्स, ठीक। फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स कंबाइन होता है लेफ्ट आउट इंप्योरिटीज के साथ और बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक। तो स्लैग आप देख रहे हैं, स्लैग यहां पे बन रहा है और यहां से रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां पे बात करते हैं इन डिफरेंट जोन्स की और इन जोन्स में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक। तो जैसे कि आपके सामने डायग्राम रखी हुई है, यू कैन फाइंड आउट देयर आर 5 मेन जोन्स। नंबर 1 हियर इज जोन ऑफ कंबशन, जिसमें टेम्परेचर सम 2170 केल्विन के आसपास रहता है। नंबर 2 इज जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, एंड नंबर 4 इज द एक्चुअल जोन वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ रिडक्शन, ठीक। इसी तरीके से सबसे लोअर वाले पार्ट में एक और होता है, इस जोन को हम नाम देते हैं जोन ऑफ फ्यूजन, ठीक। तो जोन ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन में फ्यूजन हम बोलते हैं मेल्टिंग का दूसरा नाम, तो यहाँ पे हमारा जो आयरन होता है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक। तो एक एक करके हम बात करते हैं। नंबर 1 विल बी टॉकिंग अबाउट, नंबर 1 दैट इज द जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, ठीक। तो जैसे मैंने अभी बताया, जोन ऑफ कंबशन में हमने ऑलरेडी जो कोक रखा होता है, जब इन प्लेयर्स के थ्रू हॉट एयर पास किया जाता है, तो क्या होता है, हॉट एयर पास होने की वजह से कार्बन कैचेस फायर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। सो इन द जोन ऑफ कंबशन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, कार्बन व्हिच इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोक, ठीक, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये क्या करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और चूंकि आपको पता है कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहां पे हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। हीट एनर्जी रिलीज होने की वजह से यहां पे टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, यू कैन फाइंड आउट सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर इसी जोन में होता है, इन द जोन ऑफ कंबशन, ठीक। तो पहली चीज, जोन ऑफ कंबशन में क्या होगा, फ्यूल बर्न हो जाएगा, कोक कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। नंबर 2, दूसरा जोन
that is the zone of heat absorption. Zone of heat absorption. Zone of heat absorption में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे आप क्या बन रहा है? इस zone में carbon dioxide बन रहा है. And you know carbon dioxide is a gas. ठीक? तो carbon dioxide gas होने की वजह से क्या होगा? ये अपनी जगह पे नहीं रहेगा. ये ऊपर उठेगा. ठीक है ना? तो carbon dioxide यहाँ से ऊपर उठ रहा है. ठीक? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. और ऊपर से नीचे क्या आ रहा है? ऊपर से नीचे और आ रहा है अलोंग विद द कोक एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक. तो जैसे ही वो इस रीजन में पहुंच जाता है, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस चार्ज के अंदर जो कोक होता है उसके साथ फर्दर रिएक्ट करता है. दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड रेजेस अप. ठीक. एंड व्हेन इट रीचेस द हीट ऑफ दिस जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इट कंबाइंस विद द कोक. ये कोक कहां से आया? ये कोक आया चार्ज से जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक. तो ये कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक. इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ठीक. एट दिस प्रोसेस For this process, delta H is positive. That means it is an endothermic process. ठीक. तो जब यहाँ पे heat absorb होगी, heat absorption की वजह से क्या होगा? Temperature slightly decrease हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं, zone of combustion में temperature था 2170 Kelvin और यहाँ पे सिर्फ 1570 Kelvin है. ठीक है. तो दो zones के बारे में हमने बात की. Number one is zone of combustion. Zone of combustion में carbon dioxide बनता है. Zone of heat absorption में क्या होता है? Carbon dioxide जो यहाँ पे बनता है वो ऊपर से आने वाले coke के साथ combine होके carbon monoxide बना देता है. ठीक है. And you know carbon monoxide जो है यही असल में हमारा यहाँ पे reducing agent का काम करता है. हमने smelting में बताया था, smelting में carbon या carbon monoxide act करता है as a reducing agent. ठीक. तो आगे चल के हम देखेंगे कि असल में जो reducing agent होता है, जो ज्यादातर most of the reduction carry out करता है in the blast furnace, that is not the carbon but the carbon monoxide. Or carbon monoxide kahan pe generate hota hai? In the heat of, in the zone of heat absorption. Theek. Number third zone is the zone of slag formation. Zone of slag formation. I hope ki aapko pata hai slag kya hota hai. We have already discussed that slag kya hota hai. Slag banta hai jab flux impurities के साथ combine होता है, तो वहाँ पे slag बनता है. ठीक है ना? Now इस वाले region में temperature around होता है 1270 Kelvin के आसपास. ठीक है. तो ऊपर से जो charge आ रहा है उसमें ore है और coke है. ठीक है. और साथ में उसमें क्या चीज present है? Calcium carbonate. ठीक. तो इस वाले region में basically क्या होता है? इस वाले region में calcium carbonate, ठीक, calcium carbonate at that temperature it decomposes. ठीक है. At that temperature it decomposes. तो आपको पता है जब calcium carbonate decompose होता है तो क्या बनता है? Calcium oxide बनता है, साथ में carbon dioxide gas बाहर निकल जाता है. ठीक. Now ये calcium oxide क्या करता है? असल में यही act करता है as flux. ठीक. So calcium carbonate itself is not the flux. Calcium carbonate on decomposition produces calcium oxide which acts as the flux. ठीक. Now ये flux क्या करेगा? This calcium oxide will combine with silica. शाबाशी. silica कहां से आया? Silica is the left out gas. हमने बताया है कि ore के साथ siliceous impurities present होती है, sand present होता है. तो जो left out concentration के बाद जो बचा होगा वहां पे impurity, siliceous impurity, उस siliceous impurity के साथ calcium oxide combine होके क्या बनाएगा? It will result in the formation of calcium silicate. ठीक. So CaO will act as flux, SLO2 is the gang, and when gang combines with flux it results in the formation of what we call as slag. ठीक. और आपको पता है slag जो है वो हल्का होता है. ठीक है ना? तो इसीलिए वो ऊपर float करता है. जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, iron नीचे है, molten iron, और उसके ऊपर slag बनता है because it is very light. ठीक. तो light होने की वजह से ये ऊपर ही रहता है और उसको इस tapping hole से बाहर निकाला जाता है. ठीक. तो हो गए कितने zones? तीन zones. ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट का भी काम हमने समझा दिया. ठीक. अब लास्ट जो जोन है, दैट इज द जोन ऑफ रिडक्शन. यहां पे असल में रिडक्शन होती है. ठीक. तो रिडक्शन के दौरान क्या होता है? चलिए डिस्कस करते हैं जोन ऑफ रिडक्शन के बारे में. सो जोन ऑफ रिडक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस होती है उनके बारे में हम देखते हैं. ठीक. तो हमने अभी बताया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. असल में कार्बन मोनोऑक्साइड ही यहाँ पे मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द रिडक्शन कैरी आउट करता है. ठीक. सो
क्या रिएक्शन होती है जोन ऑफ रिडक्शन में, हमारा जो ओर है Fe2O3 ये कंबाइन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FeO, FeO बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये FeO फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन, ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में, ठीक है ना, आयरन एक्सट्रैक्ट हो रहा है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। सो रिडक्शन इज मेनली कैरीड आउट बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा जो कोक होता है वो भी रिडक्शन कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी रिडक्शन कब होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों ज्यादा रिडक्शन करता है, उसको समझने के लिए हमें पिछले वाले लेक्चर की तरफ फिर से जाना होगा जहां पे हमने एलिंगहम डायग्राम की बात की थी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों एक्ट करता है एज द रिड्यूसिंग एजेंट और कार्बन कम प्रपोर्शन में रिडक्शन क्यों कैरी आउट करवाता है, ठीक। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपके सामने एलिंगहम डायग्राम ऑफ आयरन बनाऊंगा। सो दिस इज द एलिंगहम डायग्राम जिसमें हम डेल्टा जी प्लॉट करते हैं वर्सेस टेम्परेचर, ठीक। तो वहां पे कुछ कर्व्स मैं दिखा रहा हूं, नंबर वन कर्व, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड, ठीक। ये वाली कर्व जो है दिस इज फॉर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। दिस वन इज फॉर आयरन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स FeO, ठीक। एंड दिस वन इज फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आप इन कर्व्स की तरफ ध्यान से देखें, कल का जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो था, उसके कॉन्सेप्ट्स को फिर से दिमाग में रखें तो आप खुद ब खुद पहचान सकते हैं कि यहां पे बेसिकली क्या होता है, ठीक है। देखिए, यू कैन सी हियर आयरन ऑक्साइड की कर्व ये है, दिस इज अ कर्व फॉर आयरन ऑक्साइड लाइक दिस, ठीक, एंड दिस इज फॉर कार्बन टू कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो हमने सिंपल फंडा क्या बताया था एलिंगहम डायग्राम में, जिसकी कर्व नीचे होती है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक। तो अगर आप देखें, ये है हमारा ऑक्साइड जिसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक। तो इसके नीचे कौन सा है, इसके नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। सो दैट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक। लेकिन जब हम इस पॉइंट की तरफ देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या बताया था, इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड FeO तीनों इक्वली स्टेबल होंगे क्योंकि तीनों का डेल्टा जी का वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। और इस टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, इसके रिलेटेड जो टेम्परेचर है, इट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 1073 केल्विन, ठीक, 1073 केल्विन, दैट मींस 1073 केल्विन पे कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ऑक्साइड्स इक्वली स्टेबल है, ठीक। और अगर आप 1073 के लेफ्ट साइड में जाए, लोअर टेम्परेचर की तरफ, यू कैन फाइंड आउट आयरन ऑक्साइड के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड वाली कर्व है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इसके ऊपर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देन यू सी कौन सी कर्व नीचे आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली कर्व ऊपर आ जाती है और कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाली कर्व नीचे आ जाती है, ठीक है ना। दैट मींस बिलो दिस टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस FeO एंड अबव दिस टेम्परेचर कार्बन नीचे आ रहा है, तो दैट मींस अबव दिस टेम्परेचर कार्बन कैन रिड्यूस FeO, ठीक है। सो यहां पे अल्टीमेटली बात ये आई कि अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन के ऊपर है, ठीक है, ग्रेटर देन,
greater than 1073 Kelvin. Okay, then carbon can also act as reducing agent. लेकिन अगर temperature 1073 के नीचे है, उस वक्त carbon monoxide जो है, वो act करेगा as reducing agent. तो हमारा zone of reduction जो है, उसमें temperature 500 to 900 Kelvin के आसपास होता है, ठीक? Which is less than 1073 Kelvin. That is why इस वाले zone में क्या होता है? Carbon monoxide ही act करता है as reducing agent, ठीक है? और उसके बाद अगर कुछ बचा कुछा को और पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इस वाले रीजन में जो जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है वहां पे इतना टेम्परेचर है जो 1073 केल्विन से ज्यादा है, ठीक, तो इस वाले रीजन में कार्बन थोड़ी बहुत रिडक्शन कर सकता है, ठीक, दैट मींस बिलो सॉरी अबव 1073 केल्विन द पॉसिबल रिएक्शन विल बी FeO will be combining with carbon itself and it will result in the formation of Fe plus CO. ठीक है, तो ultimately कुल मिला के यहाँ पे बात ये आई कि most of the reduction is carried out by carbon monoxide below 1073 Kelvin and carbon can act as the reducing agent above 1073 Kelvin. ठीक है, ultimately जब reduction हो जाती है तो we are actually able to get iron. आयरन हमारे पास मिल जाता है, ठीक, और ये आयरन जब नीचे आता है इस वाले जोन में ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और इसीलिए इस जोन को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ फ्यूजन, ठीक, तो अल्टीमेटली जो आयरन यहाँ पे बाहर निकल के आएगा वो मोल्टन स्टेट में हमें मिलेगा, ठीक है, मोल्टन स्टेट में इस वाले रीजन में जोन ऑफ फ्यूजन में मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, स्लैग, क्योंकि स्लैग हल्का होता है, लाइटर होता है, स्लैग ऊपर रहता है और मोल्टन आयरन नीचे रह जाता है, ठीक, और इस मोल्टन आयरन को बाहर निकालते हैं इस वाले टैपिंग होल से, स्लैग को बाहर निकालते हैं इस वाले टैपिंग होल से, ठीक, क्लियर होगी बात. तो दो मिनट में हम फिर से इस पूरी प्रोसेस को रिकैप करते हैं. हमने बताया कि हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं हेमेटाइट ओर से, और हेमेटाइट ओर को जब हम बाहर निकालते हैं जमीन से, हम उसकी क्रशिंग और पल्वराइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसके बाद उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर की हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन से हमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पूरा ओर मिल जाता है, उसके बाद हम इसकी रिडक्शन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक, ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहला स्टेप जो होता है कंबशन होती है, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें कोक डाला होता है फ्यूल के तौर पे, तो वो इस जोन में कंबस्ट हो जाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठता है और यहाँ पे इस वाले जोन में ऊपर आने वाले ओर के साथ जो कोक लगा होता है उसके साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर इस वाले रीजन में स्लैग फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड जो सिलिका के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है स्लैग के फॉर्म में, ठीक, उसके बाद रिडक्शन होती है फाइनली इस वाले रीजन में, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है Fe2O3 को to FeO, FeO is further reduced to Fe, ठीक है, और उसके बाद हमने बताया कि जब ये आयरन नीचे आ जाता है तो यहाँ पे ये मेल्ट होता है, ठीक, और मेल्ट होने की वजह से ड्यूरिंग द मेल्टिंग, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ड्यूरिंग द मेल्टिंग, मेल्टिंग के साथ वहां पे क्या होता है, जो यहाँ पे कुछ कोक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, कोक जो हमने इसमें डाला होता है, ठीक, इट्स ये क्या करता है, ये मोल्टन ओर, ये सॉरी मोल्टन आयरन क्या करता है, मोल्टन आयरन तकरीबन 4% ऑफ द कार्बन, 4% ऑफ द कार्बन को अपने साथ ले जाता है, ठीक है, दैट मींस जो हमारे पास ये मोल्टन आयरन हमें इस टैपिंग होल से मिल रहा है ये प्योर आयरन नहीं होता है, ठीक, इसके साथ क्या लगा होता है, इसके साथ 4% ऑफ कार्बन, 4% ऑफ द कोक इसके साथ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक, इन एडिशन टू दिस 4% ऑफ द कार्बन इसके अंदर कुछ सल्फर की इंप्योरिटी होती है, फॉस्फोरस की इंप्योरिटी होती है, इसी तरीके से सिलिका सिलिकॉन की इंप्योरिटी होती है, ठीक, ये सल्फर फॉस्फोरस और सिलिकॉन कहां से आते हैं, क्योंकि ओर के साथ साथ कुछ सिलिशियस इंप्योरिटीज भी होती है, वहां से सिलिका आता है, ठीक है ना, कुछ फॉस्फेट्स भी लगे होते हैं वहां से फॉस्फोरस भी आता है और कुछ सल्फेट्स लगे होते हैं, उनकी रिडक्शन से सल्फर फॉस्फोरस और सिलिकॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक, अल्टीमेटली जो आयरन यहां से हमें मिलता है वो आयरन प्योर नहीं होता है, उस आयरन का नाम हम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पिग आयरन, ठीक, सो यू रिमेंबर दैट इस ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन हमें मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता है, उसको हम पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन की कंपोजिशन क्या है, इट कंटेन्स 4% कार्बन अलोंग विद द इंप्योरिटीज ऑफ सल्फर फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन, ठीक, इसी तरीके से अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, इसमें कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है ना,
अगर हम इसमें से इसकी फर्दर फिर प्रोसेसिंग की जाती है, 4% कार्बन को कम किया जाता है टू 3% कार्बन, ठीक है, 3% कार्बन, 3% वाले कार्बन, 3% कार्बन वाले आयरन के लिए नाम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज कास्ट आयरन, जी कास्ट आयरन। सो यू एक्चुअली ऑब्टेन पिग आयरन, उस पिग आयरन से कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट मेथड से कम किया जाता है अप टू 3%, दिस टाइप ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज कास्ट आयरन, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग से अगर हम फर्दर कार्बन कंटेंट को कम कर देते हैं, ठीक है ना, अगर कार्बन कंटेंट रहता है बिटवीन 0.2 to 0.5%, 0.2 to 0.5% कार्बन कंटेंट अगर रहता है, ठीक, अगर हम इससे और कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं, उस वाले आयरन को हम नाम देते हैं रॉफ्ट आयरन, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज रॉफ्ट आयरन, ठीक है। और रॉफ्ट आयरन जो होता है ये सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, द मोस्ट प्योरेस्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉफ्ट आयरन। और रॉफ्ट आयरन में क्या होता है, सिर्फ 0.2 से 0.5% तक का कार्बन होता है, ठीक। और ये रॉफ्ट आयरन क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इसमें कोरोजन बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, सो इट इज कोरोजन लेस, ठीक है, बहुत ही कम कोरोजन इसमें होता है। नंबर सेकंड थिंग इज दैट ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, और इसीलिए हम इस रॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, हम इससे चेन्स बनाते हैं, ठीक है ना, बोल्ट्स बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं, एंकर्स बनाते हैं, ठीक है ना, इसको हम यूज करते हैं रॉफ्ट आयरन को इन सारी चीजों को बनाने के लिए, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। इसी तरीके से एक और आपने नाम सुना होगा आयरन के रिलेटेड, दैट इज द स्टील, ठीक, स्टील, स्टील क्या होता है, स्टील इज द दैट फॉर्म ऑफ आयरन व्हिच लाइज इन बिटवीन रॉफ्ट एंड कास्ट आयरन इन टर्म्स ऑफ इंप्योरिटी ऑफ कार्बन एडेड, ठीक, इसमें 3% कार्बन होता है, इसमें 0.2 to 0.5% कार्बन होता है, और स्टील के अंदर 0.5 to 0.5 to 1.5% कार्बन की इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, इसको हम स्टील नाम देते हैं, ठीक। दूसरा है, दैट इज कॉल्ड एज एलॉय स्टील, एलॉय स्टील, ठीक, एलॉय स्टील क्या होता है, एलॉय स्टील इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ आयरन, ठीक, एलॉय ऑफ आयरन विद मैग्नीज, उसमें मैग्नीज होता है, इसी तरीके से निकल होता है, इसी तरीके से मॉलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है, ठीक। सो अगर स्टील के अंदर इन एडिशन टू द कार्बन वी आर एडिंग मैग्नीज, निकल, मॉलिब्डेनम एंड आयरन एज इंप्योरिटीज, ठीक, उस वाले स्टील को हम नाम देते हैं, वी कॉल दैट एज एलॉय स्टील, ठीक। और एलॉय स्टील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होती है, और इसी तरीके से इसमें कोरोजन जो है वो बहुत ही कम लगता है, ठीक। इसी को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टेनलेस स्टील, ठीक, नाम सुना होगा आपने स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज बेसिकली आयरन with 0.5 to 1.5% carbon content along with the impurities of manganese, nickel, molybdenum and tungsten, ठीक। तो इस तरीके से हमने iron की extraction के बारे में बात की, इसके thermodynamic principle के बारे में बात की, और कुछ types of iron के बारे में बात की, ठीक। Next हमारा जो extraction होगा, that will be the extraction of copper, ठीक। So let's move to the next one, next topic, that is the extraction of copper. So let's discuss another topic, that is extraction of copper. Copper को हम कैसे extract करते हैं इसके ओर से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, copper के दो बहुत ही ज़्यादा important ores हैं, ठीक। Number one is CuFeS2. इसका नाम है copper pyrites. Copper pyrites. And number second is Cu2S, ठीक, this is called as copper glands, copper glands. इन्हीं दो ओर से copper की extraction होती है, ठीक, and mostly commercial scale पे हम copper pyrite से extraction of copper करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आयरन के बारे में बात की, हम यहाँ पे भी वही चीजें डिस्कस करेंगे कि आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट से कैसे हम, क्या क्या स्टेप्स यूज करके हम कॉपर को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम फिर से फ्लो चार्ट की तरफ आए, नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा, जो कॉपर पायराइट्स बाहर निकाले जाएंगे, दे विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स, ठीक। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी क्रशिंग द लम्प्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक, एंड देन फॉलोड बाय पल्वराइजेशन।
पल्वराइजेशन मीन्स हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। सो क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, क्रशिंग की जाएगी जॉ क्रशर्स में और पल्वराइजेशन होगी इन बॉल मिल्स, ठीक। नंबर सेकंड, तो जैसे ही पाउडर ओर हमारे पास आया, उस पाउडर ओर के साथ इंप्योरिटीज लगी होती है, ठीक है, और सिलिशियस इंप्योरिटीज होती है, ठीक है, रॉकी मटेरियल्स होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको हम मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं, ठीक। इन एडिशन टू दैट इसमें कुछ मेटालिक इंप्योरिटीज भी होती है, आर्सेनिक की इंप्योरिटी होती है, एंटीमनी की इंप्योरिटी होती है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर एज एन इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है या सिलिकॉन एज एन इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके बाद, वी गो फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक। नाउ कॉन्सेंट्रेशन के हमने बहुत सारे तरीके दिखाए हुए हैं और हमने वहां पे बताया था कि अगर हमारा ओर जो है वो सल्फाइड ओर है, ठीक, तो सल्फाइड ओर्स के लिए सबसे बेटर मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, शाबाश, इट इज द फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक। सो आई होप यू रिमेंबर दैट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज वी आर यूजिंग ए सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के लिए हम इसकी फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे, ठीक। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी पूरा इसका प्रिंसिपल सारा डिस्कस किया हुआ है। सो यू रेफर टू द फर्स्ट लेक्चर, व्हाट डू वी मीन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, हाउ इज फ्रॉथ फ्लोटेशन कैरीड आउट, ठीक। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक। सो कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, शाबाश, हम ऑक्सीडेशन करते हैं, दिस इज द जनरल ट्रेंड, ठीक। तो ऑक्सीडेशन कैसे की जाएगी, ऑक्सीडेशन हम करते हैं आइदर यूजिंग कैल्सिनेशन और यूजिंग रोस्टिंग, ठीक। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इसकी कैल्सिनेशन करनी चाहिए कि रोस्टिंग करनी चाहिए, शाबाश। हमने बताया था ऑलरेडी, हमने बताया था कि अगर सल्फाइड ओर्स है, ठीक, तो सल्फाइड ओर्स के लिए हम हमेशा रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। रोस्टिंग किसको कहते हैं, रोस्टिंग में हम हीट करते हैं ओर को, वी हीट द ओर इन प्रेजेंस ऑफ an excess of oxygen, in presence of excess of oxygen, ठीक है, so that यहाँ पे आपका जो sulfide ore है वो oxide form में convert हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, क्या reactions होती हैं during the roasting, ठीक। so you start with copper pyrites CuFeS2, ठीक, you treat it with oxygen, ठीक है। तो जब आप इसको oxygen के साथ treat करते हैं, what happens is वहाँ पे क्या हो जाता है, the ore gets converted into Cu2S, ठीक, कॉपर ग्लांस प्लस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FeS, ठीक, प्लस SO2, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बीइंग अ वोलेटाइल गैस, ये बाहर निकल जाएगा रिवर्बरेटरी फर्नेस के वेंट्स के थ्रू, ठीक है। अब बचा क्या, यहां पे कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड, ठीक। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, कॉपर सल्फाइड Cu2S, ठीक, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक। Cu2S कंबाइन्स विद ऑक्सीजन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक, प्लस बाहर निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो Cu2S फाइनली कन्वर्ट किसमें हो गया, इट गेट्स कन्वर्टेड टू Cu2O, एंड सिमिलरली FeS वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FeO प्लस SO2, ठीक, SO2 बाहर निकल जाता है। सो हमारे पास FeO है, Cu2O है, ठीक। लेकिन यहां पर याद रखेंगे हम कि इस रोस्टिंग के दौरान आपका पूरा कॉपर सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है ना, पूरा FeS FeO में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे बहुत ही अनरिएक्टेड, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अनरिएक्टेड कॉपर सल्फाइड होता है और अनरिएक्टेड FeS होता है, ठीक। इन एडिशन टू दैट देयर इज क्यूप्रस ऑक्साइड एज वेल, देयर इज आयरन ऑक्साइड एज वेल, ठीक। तो अल्टीमेटली रोस्टिंग से हमने क्या किया, वी ट्राइड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक। हमारा एक्चुअली कंसर्न क्या है, कॉपर, तो कॉपर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, Cu2O में। लेकिन ये सारा Cu2O में कन्वर्ट नहीं होता है, इसमें अभी भी क्या चीज प्रेजेंट होती है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, और आयरन सल्फाइड वहां में रह जाता है एज आयरन ऑक्साइड, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन, ठीक, और रिडक्शन में साथ साथ हमारे पास FeO है, तो वी विल बी
वी शुड बी आल्सो एबल टू गेट रिड ऑफ दिस FeO सो दैट हमारे पास सिर्फ क्या मिले कॉपर ही वहां पे रह जाए इन इट्स आइदर कंबाइंड फॉर्म और इन द फ्री फॉर्म ठीक है सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा इसमें दैट विल बी द रिडक्शन ठीक है और रिडक्शन यहां पे कैसे करवाई जाती है रिडक्शन बिल्कुल आयरन के तरीके पे ही जैसे हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया था आयरन के एक्सट्रैक्शन में हमने बोला था रिडक्शन किस में कैरी आउट करवाई जाती है ब्लास्ट फर्नेस में बिल्कुल वैसे ही ब्लास्ट फर्नेस यहां पे भी यूज होता है ठीक है ना वही तरीका जो वहां पे यूज होता है यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही रिडक्शन होगी दैट मींस रिडक्शन विल बी कैरीड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड सो अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हम इसकी रिडक्शन करेंगे कौन से मेथड से विल बी रिड्यूसिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस ठीक सो रिडक्शन करवाते हैं हम यूजिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस और स्मेल्टिंग हम कैरी आउट करवाएंगे इन द ब्लास्ट फर्नेस ठीक तो ब्लास्ट फर्नेस अभी भी आपके दिमाग में होगी कि ब्लास्ट फर्नेस में अरेंजमेंट कैसा होता है ठीक है तो हम यहां पर क्या करते हैं वी टेक द ओर जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है इनफैक्ट रोस्टेड ओर है उसके साथ हम कोक ऐड करते हैं ठीक क्योंकि स्मेल्टिंग में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक प्लस इसमें फ्लक्स डालते हैं ठीक वहां पे हमने फ्लक्स क्या डाला था कैल्शियम कार्बोनेट ठीक यहां पे फ्लक्स हम डालते हैं SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट एक्ट्स एज द फ्लक्स ठीक सो यू रिमेंबर दैट कॉपर की स्मेल्टिंग के लिए हम फ्लक्स जो यूज करते हैं दैट इज SiO2 ठीक है नाउ इसको जब हम किस में डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में तो वहां पे क्या होगा वहां पे SiO2 किसके साथ कंबाइन होगा आयरन ऑक्साइड के साथ तो अगर आप थोड़ा याद करें हमारे पास इस वक्त ओर में क्या क्या चीज है हमने अभी देखा एक तो उसमें Cu2O प्रेजेंट है ठीक दूसरा उसमें FeO प्रेजेंट है अभी जो हमने इससे पहले बताया ठीक और मैंने ये भी बताया था कि कुछ Cu2S अनरिएक्टेड होगा और कुछ FeS अनरिएक्टेड होगा ठीक है तो जब हम इसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं SiO2 जो है वो किसके साथ कंबाइन होता है FeO के साथ ठीक है ये FeO को बाहर निकाल देता है ठीक सो फर्स्ट रिएक्शन दैट विल बी कैरीड आउट इन ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग इज नंबर 1 हमारा जो FeO इसमें बचा हुआ है वो किसके साथ कंबाइन होगा SiO2 के साथ सो SiO2 इज द फ्लक्स एंड FeO विल एक्ट एज द गैंग ठीक फ्लक्स और गैंग कंबाइन होकर क्या बनाते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ FeSiO3 आयरन सिलिकेट ठीक एंड दिस विल बी द स्लैग और आपको पता है स्लैग कहां से निकलता है हमने बताया था ब्लास्ट फर्नेस में एक होल होता है जो स्लैग को बाहर निकाल देता है ठीक है नंबर सेकंड थिंग इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है जो कॉपर ऑक्साइड हमारा ठीक Cu2O जो है हमारा ठीक है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में हमें मिला था ठीक Cu2O ये FeS के साथ कंबाइन होता है वापस FeS कहां से आया मैंने अभी बोला एक तो कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है कुछ कॉपर सल्फाइड ऐसे ही रहता है कुछ आयरन सल्फाइड ऐसे ही रहता है ठीक इसको हमने निकाला इन द फॉर्म ऑफ स्लैग बाहर ठीक है अभी भी हमारे पास क्या है Cu2O है Cu2S है और FeS है ठीक है तो ये Cu2O ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस FeS के साथ फर्दर कंबाइन हो जाता है ठीक है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ये क्या बना देता है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FeO बैलेंसिंग पार्ट ऑफ खुद करिए ठीक FeO प्लस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Cu2S FeO एंड Cu2 ठीक फिर से FeO जो जनरेट हो गया यहां पे इस प्रोसेस के दौरान ये FeO फिर से क्या करेगा ये FeO फिर से जो वहां पे बचा हुआ फ्लक्स है उस फ्लक्स के साथ कंबाइन होके FeSiO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ठीक है ना तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस के बाद इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इन सारी प्रोसेसेस के बाद हमारे पास क्या बचेगा अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट विद दिस Cu2S सो दैट मींस अभी भी हमारा ओर जो है वो उसमें से कॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ अभी भी कॉपर सल्फाइड सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में है ठीक है सो जो
जैसा कि हमने आयरन के वक्त देखा था कि ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग ऊपर रहता है और नीचे पिग आयरन निकलता है, यहां पे जो कॉपर निकलेगा वो प्योर कॉपर नहीं होगा, दैट विल बी मोस्टली कॉपर सल्फाइड, और उसके साथ साथ उसमें Cu2S के साथ साथ कुछ FeS पार्टिकल्स अभी भी बचे हुए होंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स ब्लास्ट फर्नेस के नीचे वाले होल से जो आप चीज बाहर निकाल रहे हैं दैट इज नॉट द प्योर कॉपर, ठीक है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Cu2S प्लस FeS मोस्टली, ठीक है, उसमें Cu2O भी होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, मगर मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन उसमें Cu2S और FeS होगा, ठीक, और उसको जो बाहर निकलता है रिवर इस ब्लास्ट फर्नेस से वहां पे उस चीज को हम नाम देते हैं कॉपर मेट, कॉपर मेट, ठीक। सो व्हाट इज कॉपर मेट, कॉपर मेट इज द एंड प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, एंड इट मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ Cu2S एंड FeS, ठीक। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए हमने बोला कि इस स्मेल्टिंग के लिए हम ओर डाल रहे हैं, कोक डाल रहे हैं और सिलिका डाल रहे हैं एज फ्लक्स, ठीक। जो ओर हमारे पास है वो हमने रोस्ट किया था और रोस्टिंग के दौरान हमारे ओर में एक तो ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है, ये FeO हम रिएक्ट करवाते हैं इस फ्लक्स के साथ, निकलता है बाहर द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक। अब क्या बचा उसमें Cu2O, Cu2S एंड FeS, ठीक। तो ये Cu2O जो बचा हुआ है और ये FeS जो है ये आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, दे कंबाइन विद ईच अदर एंड द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा FeO एंड Cu2S, ठीक। ये एक्स्ट्रा FeO फर्दर सिलिका के साथ कंबाइन होकर बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा दैट इज द Cu2S, ठीक, along with some unreacted FeS, कुछ unreacted FeS इसमें बचा होगा, ठीक है ना, और इसी चीज को हम blast furnace के नीचे वाले होल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। so that means we are not getting copper in the pure form, जैसा कि हमने blast furnace में iron को निकाला था in the form of pig iron, यहाँ पे जो बाहर निकलेगा that is what we call as the copper mate, ठीक। अब इसमें एक extra step आ जाता है, वो ये है कि अब इस copper mate से copper को कैसे बाहर निकाला जाए, ठीक है ना, उस स्टेप को हम बोलते हैं नाम बेसिमराइजेशन, ठीक। सो देयर इज अ न्यू टर्म बेसिमराइजेशन, ठीक। तो बेसिमराइजेशन हम कैसे करते हैं, दैट मींस रिकवरी ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मेट कैसे होती है, ठीक। इस प्रोसेस के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बेसिमर कन्वर्टर का नाम देते हैं, ठीक है, और बेसिमर कन्वर्टर एक पियर शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्टील का बना होता है, ठीक है, तो ये स्टील का बना है, ठीक, और इसकी जो इनर लाइनिंग है, ठीक, इनर लाइनिंग ऑफ द बेसिमर कन्वर्टर इज मेड अप ऑफ सिलिका, द इनर लाइनिंग ऑफ दिस बेसिमर कन्वर्टर इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक। नाउ ये पियर शेप्ड अपैरेटस जो है ये रखा जाता है एक स्टैंड के ऊपर, सो ये और ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ये इसका स्टैंड है, ठीक, और इस स्टैंड के ऊपर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, यहां से भी टिल्ट कर सकते हो, उधर से भी टिल्ट कर सकते हो, सो इट इज ये इस पे मतलब पूरा फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक, इट इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, क्लियर, ठीक है ना। अब कॉपर मेट से हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो इस पियर शेप्ड अपैरेटस के अंदर एक पाइप लगी होती है जिससे हॉट एयर को पास किया जाता है जिनको हम ट्यूयर्स कहते हैं, ठीक है, तो जैसे ही इस हॉट एयर को पास किया जाता है ऑलरेडी कॉपर मेट मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नाउ यहां से हॉट एयर पास होने की वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक, एंड सिंस दिस इज ओपन इसमें ऑक्सीजन इजिली अवेलेबल होगा, ठीक है ना। नाउ एंड एट द सेम टाइम इसकी जो इनर लाइनिंग है उस वो किसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है, ठीक, तो जब ये हीट अप हो जाता है, हीट अप होने की वजह से हम पहले बताएंगे कि हमारे कॉपर मेट में क्या क्या चीज है, Cu2S है और FeS है मोस्टली, ठीक, तो हीट अप होने की वजह से क्या होता है, ये FeS ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक, सो द FeS विच इज प्रेजेंट इन द कॉपर मेट इट कंबाइन्स विद ऑक्सीजन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, सो FeS तो हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, FeO में और सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है ये खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा तो इसका मसला भी खत्म हो गया। अब क्या बचा वहां पे, FeO, तो FeO को बाहर कौन निकालेगा ये भी हमारे लिए जरूरी नहीं है,
अब चूंकि इसकी इनर लाइनिंग सिलिका की बनी होती है एंड यू नो सिलिका एक्ट्स एज द फ्लक्स, ठीक, तो ये FeO जो है ये फर्दर कंबाइन होता है किसके साथ, सिलिका के साथ, और क्या बना देता है FeSiO3, दैट मींस यहां पे भी ये क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है, क्लियर, ठीक है। सो FeS बाहर निकल रहा है FeO के फॉर्म में, FeO को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इधर स्लैग, ठीक है। और साथ ही इसमें क्या होगा, साथ ही साथ इसमें अगर कुछ नॉन मेटालिक इंप्यूरिटीज लाइक सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी लगा होगा, वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वोलेटाइल ऑक्साइड्स के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। अब बचा कॉपर सल्फाइड Cu2S, ठीक, ये Cu2S क्या करता है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो Cu2S कॉपर सल्फाइड ये कंबाइन, ये भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu2O में, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा हमने एक चीज बताई थी, दैट वाज द ऑटो रिडक्शन, ठीक, इफ यू रिमेंबर। ऑटो रिडक्शन में क्या होता है, जो और पार्टिकल्स होते हैं वो खुद एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही कुछ कॉपर सल्फाइड Cu2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये Cu2O अब खुद ही बाकी Cu2S के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। द Cu2O व्हिच इज फॉर्मड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ Cu2S, इट इटसेल्फ रिएक्ट्स विद द लेफ्ट आउट कॉपर सल्फाइड, और जब इसके साथ कंबाइन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्योर कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस दे देता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं खुद ही, ठीक है ना। चलिए यहां पे कर देते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस, सल्फर डाइऑक्साइड, सो 4 + 2 = 6, 6 टाइम्स कॉपर, ठीक, सो यू विल गेट कॉपर एंड यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो अल्टीमेटली बेसिमल कन्वर्टर में आपके पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जो भी FeS था वो FeO और FeO के बाद FeSiO3 के फॉर्म में स्लैग के फॉर्म में बन गया, एंड स्लैग आपको पता है हल्का होता है, ठीक है ना। तो हल्का होने की वजह से ये क्या करेगा, इट विल फ्लोट एट द सरफेस, ठीक, ये स्लैग जो है ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है ना। तो जो जब ये फ्लोट करेगा सरफेस के ऊपर तो इसको हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। तो स्लैग निकल गया, आयरन वाला काम चला गया, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर सल्फाइड जो बचा होता है उसमें, जिसके अंदर बेसिकली हमारा कॉपर मौजूद है जिसको हमें बाहर निकालना है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बना देता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड ऑटो रिडक्शन करता है रेस्ट ऑफ द Cu2S की, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। अब इस कॉपर को जो मोल्टन फॉर्म में यहां पे होता है, हम इसको टिल्ट करते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो बाहर निकालने पे क्या होता है, इसके अंदर कुछ सल्फर डाइऑक्साइड अभी डिसॉल्वड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जब इसको बाहर निकालते हैं वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक। और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है, आप खुद भी देख सकते हैं, जब भी लिक्विड से कोई गैस बाहर निकलती है तो वहां पे क्या जनरेट होते हैं, बबल्स, ठीक है ना। तो उन बबल्स वही बबल्स वहां पे भी बनते हैं, ठीक, जो कि ब्लिस्टर्स की तरह दिखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहां से जो कॉपर बाहर निकलता है उसमें थोड़े थोड़े हमें ब्लिस्टर्स जैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इस कॉपर को जो बेसिमल कन्वर्टर से बाहर निकलता है इसको हम नाम देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। सो ब्लिस्टर कॉपर कोई उतनी खास चीज नहीं है, सिंपली कॉपर ही है, लेकिन इस जो कि कॉपर मोल्टन फॉर्म में होता है तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से एस्केप आउट होने की कोशिश करता है, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स बबल्स के फॉर्म में वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक। तो आपको ब्लिस्टर्स जैसे दिखते हैं कॉपर की सरफेस के ऊपर, इसीलिए उस कॉपर को हम नाम देते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ठीक। सो इन दिस वे वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम इट्स ओर कॉपर पाइराइट्स, क्लियर, ठीक।